आपको एक आध अपना इंसिडेंट सुना देता हूं वेयर आई मिजरेबली फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड। मैं शायद 12-14 बरस का होऊंगा, एक दुकान में गया मैं कुछ खरीदने के लिए। दुकान खुली खुली थी तो वहां का जो नौकर था वो सफाई कर रहा था दुकान की। मैं शायद पहला कस्टमर होऊंगा। मैं गया दुकान में, वो झाड़ू लगा रहा था और झाड़ू लगाते लगाते उसका झाड़ू मेरे पांव पे लग गया। 13-14 बरस का लड़का, मेरा पारा आसमान पे चढ़ गया। उसको मैंने जोर से डांट लगाई, ठीक से देख के झाड़ू क्यों नहीं लगाता। दुकान का मालिक सामने खड़ा हुआ था, उसने उस झाड़ू वाले को भेज दिया, तू जा बाद में झाड़ू लगाइयो। मेरे को वो समझाने लगा, बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बेटा आप अमीर घराने से हो, ये छोटे व्यक्ति, इनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। समझा देते, समझा देने से उसके समझ में आ जाएगी, वो तो बेचारा झाड़ू लगा रहा है, अपना काम ही तो कर रहा था। मेरे को नहीं समझ में आई बात। मैंने उस दुकान के मालिक को भी बोल दिया, जरा इसको समझाओ ठीक से झाड़ू लगाया करेगा। पर उसके बाद आई फेल्ट सो गिल्टी कि मेरे को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इस तरह के व्यवहार में तुम लोगों के साथ भी शायद कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। बट मेरे में तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस उस दुकान में जाके झाड़ू वाले से माफी मांगूं। लेकिन आज हिम्मत है वो। आज अगर कभी भगवान ना करे मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं पहले तो ऐसा करूंगा ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो गया, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं उससे माफी मांग सकता हूं। तुम लोग अपने मन में ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप करो, या तो ये कभी करोगे नहीं, लेकिन अगर कभी गलती से हो गया, बी फेयर, बी फ्रैंक, बी बोल्ड इनफ माफी मांगने के लिए। एक और अपना इंसिडेंट सुनाता हूं, अ मेजर मिस्टेक आई मेड इन माय लाइफ। मैं आईआईटी में पढ़ता था, दिल्ली में हॉस्टल में था। हॉस्टल के अंदर कपड़े धोने के लिए धोबी हुआ करता था, धोबी को हम लोग कपड़े देते थे। मैंने उसको मेरी पैंट दी धुलने के लिए। उस समय पैंट का धुलाई का पैसा लेता था वो 15 पैसा। उस समय 15 पैसा बहुत होता था, 68-69 की बात है, 70 की बात होगी। 15 पैसा कॉटन की पैंट, 15 पैसा टेरिकॉट की पैंट वॉज 35 पैसा। उस जमाने में टेरिकॉट वॉज मोर एक्सपेंसिव देन द कॉटन वॉज। टेरिकॉट की पैंट का 35 पैसा, कॉटन की पैंट का 15 पैसा। कपड़े धुल के आए, मैंने उसको पैसे दिए, वो बोला जी इसका 35 पैसा। मैंने कहा हट, 35 पैसा, 15 पैसा कॉटन है ये, कहां से आ गया। बोले नहीं सर टेरिकॉट है। मैंने कहा ना कॉटन है ये। उसको 15 पैसे दिए, 2 पैंट थी, 30 पैसा दिया। बेचारा लड़का था, वो भी 12-13 बरस का लड़का होगा, धोबी का लड़का था वो, धोबी नहीं था। हो सकता धोबी तो मेरे से लड़ लेता। 12 बरस के लड़के को मैंने झिड़क दिया। मैंने कहा ना 15 पैसे की पैंट है ये। मैं घर गया, वीकेंड पे हम लोग घर जा सकते थे बिकॉज मैं दिल्ली का रहने वाला। घर गया, वहां पे मैंने मेरी भाभी जी से पूछा, भाभी जी ये कपड़ा क्या है। बोले टेरिकॉट।
मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने उस धोबी के कितना 20 पैसा × 2 40 पैसा मैंने उसका मार लिया। हिम्मत नहीं हुई मेरी उसके बाद कि मैं धोबी को जाके 40 पैसा दे दूं, उसको बोलूं कि मैंने गलती करी। फॉर 3 ईयर्स आई वॉज इन द हॉस्टल और 3 साल तक मैंने उसका 40 पैसा दिया नहीं उसको। हिम्मत नहीं हुई, गलती मैंने मान ली, मेरे अंदर गलती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको 40 पैसा ले जाके दे दूं। गुजर गए साल, पास आउट हो गए, निकल गए, अपने काम धाम में लग गए। एक दिन मेरे माइंड में आया कि यार वो 40 पैसा आज जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन बनता है, 500 रुपये 1000 रुपये, उसको ले जाके देना है। मैं IIT गया, हॉस्टल गया, वहाँ पे धोबी को ढूंढा। वो धोबी वहाँ से जा चुका था। आई वॉज एट ए लॉस, क्या करूँ, 40 पैसा का मेरे ऊपर उधार है और मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। करना चाहिए था हॉस्टल के टाइम पे, हिम्मत नहीं हुई अपने आप को उस तरह से करने की, अब क्या करूँ। फिर बात दिमाग से निकल गई, फिर आई, फिर निकल गई, फिर आई, फिर निकल गई। अल्टीमेटली I looked for that dhobi's boys or boy. और धोबी मर गया, धोबी की वाइफ मर गई, वो जो लड़का था जो धोबी था वो भी मर गया, उसकी भी डेथ हो गई कोई कारण से। पता चला कि उस धोबी की 3 लड़कियां थी। मेरे तो ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ये सब पता कर पाता। मैंने एक मेरे ऑफिस के लड़के को बोला कि मेरा ये पुराना हिसाब है और तेरी जिम्मेदारी है कि तू ढूंढ के ला वो धोबी का परिवार कहाँ है। एंड फॉर्चुनेटली ही वॉज एबल टू डू इट। तीनों लड़कियां लोकेट हो गईं। अब उनको रुपया पहुंचाना था और उसमें भी वो गरीब परिवारों में देखिए क्या सिचुएशन। बड़ी वाली लड़की बोलती है मेरे पास तो एनफ है जी, आपको जो देना है मेरी बाकी दोनों बहनों को दे दीजिए। एक मैं जो 40 पैसा देने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और एक वो लड़की जो बोलती है मेरे पास एनफ है जी, भगवान का दिया हुआ काफी है, उन दो लड़कियों को रिक्वायरमेंट है, आप उनको दे दीजिए। ऑफ कोर्स दिया एंड इट इज अ ग्रेट रिलीफ टू मी कि मेरा अपना उधार वहां से खत्म हो गया। एक तरफ से मैंने अपना उधार तो उतार दिया, लेकिन वो उस 40 पैसे की वैल्यू उस समय उस धोबी के मन में क्या होगी, शायद उसको कोई नुकसान हो गया होगा या उसका कोई काम नहीं हो पाया होगा, आई डोंट नो। वो कमी तो शायद मैं जिंदगी भर भी पूरी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज धोबी चला गया, धोबी का लड़का चला गया। वो कमी मैं जिंदगी भर पूरी नहीं कर पाऊंगा। इसमें एक ब्राइब देने की बात आती है, और 100 रुपये का नोट पकड़ाता है पुलिस वाले को, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद आई हैव नेवर डन इट इन माई लाइफ। मेरे पास दिखाने के लिए तो और भी कुछ है, बट आई डोंट थिंक वी हैव टाइम नाउ। मैं एक दो चीजें और एक अपने इंसिडेंट्स की बता देता हूं, जो मैं बात कर रहा हूं समाज की, और वो समाज ईच इंडिविजुअल कैन डू द चेंज। गवर्नमेंट विल नॉट चेंज, पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट चेंज,
I can change it. I as an individual समाज को बदलने की चेष्टा कर सकता है, चेष्टा कर सकता है, अपने छोटे दायरे में तो कर सकता है। लोग लाइन में खड़े होते हैं, जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि हम तो आगे चले जाएं लाइन से। होता है ऐसा? यू हैव सीन पीपल डूइंग इट? देखा है? मेरे साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, आफ्टर दैट आई रिफ्यूज टू डू इट। मैं एक बार अमेरिका से लौट रहा था, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे स्टॉपेज था, अर्ली मॉर्निंग फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतरे, फ्रैंकफर्ट पे इतनी अपार भीड़ थी कि बैठने की जगह नहीं थी। एक लेडी ने अपनी कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पे सामान रख रखा था। नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है? अरे भाई यहां तो कोई बैठा हुआ है, आप दूसरी जगह खोज लो। होता है ना ऐसा? सब लोग करते होंगे, पहले मैं भी किया करता था, तुम लोगों ने भी किया होगा या तुम लोगों ने देखा होगा होते हुए। उस लेडी ने अपना सामान उठा लिया वहां से, बोले बैठो। बोले मेरा हस्बैंड यहां बैठा हुआ था, वो घूम रहा है कहीं, दुकानें देख रहा है, तुम आके बैठ जाओ। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, और जब आपका हस्बैंड आएगा तो मैं उठ जाऊंगा। What did she say? Can anyone guess? No, you will not get up. अगर मेरा हस्बैंड इधर उधर घूम सकता है तो उसके लिए कुर्सी रिजर्व करना पॉसिबल नहीं है। मेरा एक साथी था, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। उसका मन किया मैं कहीं घूम लूं, वो उठ के चला गया। एक पैसेंजर आया, बोले कुर्सी खाली है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं यहां पे कोई बैठा हुआ है। मेरे बगल में जो वो औरत बैठी हुई थी उसने मुझे आंख दिखाई, अरे बेशरम आदमी, तेरे को मैंने कुर्सी दी, तू दूसरे को नहीं दे सकता? By God, प्रॉमिस करता हूं मैं तुम लोगों से, मेरी आंखें पूरी तरह से नीची हो गई एकदम। मैंने मेरा सामान उठाया, उसको बैठने के लिए कहा, एंड द सेम रिप्लाई आई गेव, ही सेड तुम्हारा आदमी आ जाएगा, मैं उठ जाऊंगा। आई सेड नो, देयर इज नो नीड। उसके बाद से मैं कभी भी किसी के लिए कुर्सी रोक के नहीं बैठता हूं, कभी भी नहीं बैठता हूं, नेवर एवर। ये अनफॉर्चुनेटली मेरे फेल्योर्स रहे हैं मेरी लाइफ में, और उन फेल्योर्स से मैंने सीखा है कुछ, एंड आई होप, आई विश कि तुम लोग कुछ ना कुछ इस तरह का विचार करो कि समाज को कैसे बदला जाएगा, मैं मेरा कैसा व्यवहार करूं कि समाज में बदलाव आए। हम लोग साइट्स, वेरियस साइट्स पे जाते हैं कंप्यूटर पे, वहां से डाउनलोड कर लेते हैं, मूवीज देखने का सबको शौक होगा, हम लोग मूवीज डाउनलोड कर लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर। बोले कौन जाएगा सिनेमा हॉल में, लेट अस डाउनलोड इट एंड सी इट, करते हैं। And we know for a fact that these are pirated movies. Fact है ना? Fact है कि नहीं है? बोलो, agree करो। तो अगर हम ये movies download करते हैं तो चोरी है? चोरी है? तो मैंने भी किया था, and मैंने उससे सीखा, and after that I refused to do it. मैं मूवीज डाउनलोड नहीं करता क्योंकि मेरे को मूवीज का कोई खास शौक नहीं है, बट मेरे पास एक किताब आई, वन ऑफ माय फ्रेंड्स गेव इट टू मी, ही सेड पढ़ो, अगर पसंद आए तो शेयर करना। मुझे वो किताब बहुत पसंद आई,
एक किताब 1000 रुपए की थी। मैंने कहा इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 1000 रुपए पर बुक। अगर मैं 5-10 किताब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, 10000 रुपए कौन स्पेंड करेगा? मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला, रघु कैन यू अफोर्ड 10,000 रुपीज? आई सेड यस आई कैन। तो तू ये चोरी क्यों कर रहा है? तो छोड़ यार। एंड आई कॉपीड दोज बुक्स एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड दम। जिस दिन से मैंने ये किया उस दिन अ वेरी मेजर रिग्रेट इन माई लाइफ, वेरी मेजर रिग्रेट इन माई लाइफ, वाई डिड आई डू इट? एंड सिंस देन आई हैव नॉट कॉपीड अ सिंगल बुक, अ सिंगल बुक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं हमेशा किताब खरीद के और लोगों में बांटता हूँ अगर मुझे बहुत पसंद आती है, एक्सेप्ट देर इज ओनली वन एक्सेप्शन, अगर वो किताब जेन्युइनली मार्केट में अवेलेबल नहीं है एंड आई हैव नो चॉइस, ओनली देन आई फोटोकॉपी द बुक एंड डिस्ट्रीब्यूट। दैट इज द ओनली कंडीशन इन विच आई डू दिस। और ये है समाज को इम्प्रूव करना, समाज को अपने अंदर लेके आना। हम क्या समझते हैं हमारा समाज कैसा होना चाहिए और हम उसको अपने अंदर कैसे इम्बाइब कर सकते हैं? चीटिंग करी होगी तुम लोगों ने, स्कूल में पढ़ते हो? ओके, मैडम इज नॉट सिटिंग हियर, यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, किस किस ने चीटिंग करी है? एवरीवन, एवरीवन। बसेस विल हैव टू कीप वेटिंग इनकी क्लास 11 की वजह से, बिकॉज़ छोटे बच्चे भी जाते हैं हमारे, सब 1-2 सब जाते हैं। ओके, अनफॉर्चुनेटली द टाइम इज फिनिश्ड बिकॉज आई थिंक योर बसेस आर वेटिंग। All right, so sir, I had the honor of giving the vote of thanks for today's session. Summing this up, I believe that this was an eye-opening interaction for all of us, and this was more or less a debate between students, and you, sir, acted most wisely as the moderator of this debate. So can you all have a round of applause for sir right here? And thank you. Just summing it up, basically, thank you so much. This talk was very much needed, keeping in mind the current events and everything which is going on in our country. And I believe that I have never come across a man like sir who has been most non-hesitant in putting his point across and actually trying to encourage people to speak upon something which is not talked about or which is an orthodox discussion in our country. So with that, I believe that I have the permission of the teachers to declare the session closed. And thank you so much, sir. Thank you so much. I really feel that yes, you have enjoyed the session. I wanted to continue more, lekin ab there are constraints of time. Future of the country lies in your hands, and I hope you will agree. And future of the country also will depend on how you behave in this samaj, the way you have to behave. ठीक है? So God willing, you all be wonderful citizens of the country and hope you enjoy your life to the best. All the best.